हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है यहाँ पे ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 का 2022 वेरिएंट, जो कि फ्रेंड्स 3D लोगो वगैरह के साथ आया है। फीचर्स में भी यहाँ पे अपग्रेड हुआ है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसका डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि चेंजेस जो है वो बस यहाँ पे फीचर्स में हुआ है या राइड में भी हुआ है। तो अभी हम इसे राइड करने वाले हैं। ये बाइक हमें प्रोवाइड करवाया है बैद्यनाथ बजाज, जो कि पचम्बा गिरिडीह में है। अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप फ्रेंड्स शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस बाइक के लिए। बाइक जो है वो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे लुक्स में अब आने लगा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो कलर ऑप्शन है आपको इसी कलर ऑप्शन में भी यहाँ पे मिल रहा है 2022 वाला वेरिएंट। यहाँ पे ब्लैक कलर वाले में नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें जो सिल्वर ग्राफिक्स के साथ आता है उसमें ये मतलब ऑप्शन अभी आया है या नहीं आया है। तो अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, अगर आप थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो आपको मिल सकता है। बाकी यहाँ पे लुक्स आप देख लीजिए एक बार बाइक का। लाइटिंग वगैरह सब सेम है, यहाँ पे हेलोजन में ही आपको लाइट्स मिलता है, उसमें अपग्रेड यहाँ पे नहीं आया है। बस यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है, 3D लोगो मिल रहा है। और मीटर आपको हम दिखा देते हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मीटर में अपग्रेड हुआ है या नहीं। तो मीटर में भी यहाँ कोई चेंजेस नहीं आया है, सेम मीटर आपको मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम राइड कर लेते हैं। अभी हमारे साथ है यहाँ पे कुंदन भैया, तो उनसे भी पूछ लेंगे कि पिलियन का जो है वो बैठने में कैसा इन्हें कम्फर्ट लगता है। बाकी ओवरऑल में आप बाइक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब ऐसे कम्फर्टेबल है। मैंने काफ़ी इसका राइड कर रखा है, अभी बस हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो चेंजेस है वो मतलब सिर्फ फीचर्स में आया है या राइडिंग में भी आया है। तो चलिए बाइक को राइड कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं चलाने में बाइक कैसी लगती है। तो बैठ जाइए कुंदन भैया। तो सबसे पहले आप एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए बाइक का। तो बाइक का एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है। अभी ज़्यादा पेट्रोल है नहीं यहाँ पे बाइक में, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे बस छोटा सा एक राइड करने के लिए ही निकले हैं, बस चेंजेस देखने के लिए कि चेंज जो है वो बस यहाँ पे मतलब ग्राफिक्स में आया है या राइड में भी आया है। तो थोड़ा सा ही राइड करके आइडिया यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने काफ़ी पल्सर जो है वो राइड कर रखा है 125। इसका डिटेल राइड वगैरह रिव्यू सब आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो अगर अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बाइक जो है वो फ्रेंड्स चलाने में काफ़ी लाइट लग रही है 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं। तो हैंडलिंग वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, और किसी भी तरह का बैक पेन वगैरह, शोल्डर पेन वगैरह यहाँ पे नहीं होता है बाइक को राइड करने में। अगर आप इसे लॉन्ग राइड्स वगैरह भी, जैसे अगर 60 से 100 किलोमीटर तक भी अगर आप चलते हैं तो आपको उतना मतलब कुछ भी फील नहीं होता है, काफ़ी कम्फर्टेबल है। सीटिंग पोस्चर भी अच्छा है बाइक का, और ब्रेक्स वगैरह का जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। तो ब्रेक्स का फीडबैक अच्छा है, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं तो थोड़ा आप कोशिश करें कि इसका डिस्क ब्रेक वाला ही वेरिएंट लें। ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं, बट फ्रेंड्स इसका जो ब्रेक का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक वाले के कंपेरिजन में, क्योंकि बाइक जो है वो थोड़ी हैवी है। तो हैवी होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर जो ब्रेक्स है वो अगर अच्छा रहेगा तो आपको चलाने में ज़्यादा कम्फर्टेबल लगेगा। तो अब एक बार हम पूछ लेते हैं कुंदन भैया से कि किसी तरह का कोई दिक्कत कुंदन भैया? नहीं नहीं कोई दिक्कत, कंफर्टेबल है ना? एकदम पूरा कंफर्टेबल। तो बाइक जो है वो फ्रेंड्स राइडिंग में यहाँ पे देखा जाए तो सेम पहले के जैसा है, बस थोड़ा सा रिफाइनमेंट यहाँ पे जो है वो आपको अच्छा मिलता है पहले के कंपेरिजन में। तो आप चाहें तो एक बार इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं शोरूम पर जाके। अभी सभी शोरूम पर अवेलेबल नहीं हुआ है, कुछ टाइम में जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ज़रूर से चेक कर लें, और 3D लोगो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2022 मॉडल है या 2021 मॉडल है। तो आज के वीडियो में बस यही था फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।